बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये टॉपिक पूछा जाता है फॉर 15 मार्क्स और कंपलसरी क्वेश्चन आएगा. आपको आपका पेपर पैटर्न पता है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स. तो इसके बीच में चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 2, 3, 4 एंड 5 फॉर 15 मार्क्स ईच. और उसमें इंटरनल ऑप्शंस होगा, 2 में ए एंड बी, 3 में ए एंड बी, 4 में ए एंड बी एंड 5 में भी ए एंड बी. ठीक है. तर एक क्वेश्चन असेल 15 मार्क्स आणि त्याला और मध्ये तो क्वेश्चन असेल तो पण असेल 15 मार्क्स. ये अब तक का पैटर्न है. कुछ लोग बोल रहे कि ये 20 मार्क्स का तीन ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए. सो बेटर चार क्वेश्चन और चार टॉपिक है आपको, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल अकाउंट्स एंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट. सो चारों टॉपिक्स कंपलसरी है और आपको पास होना है, 40 मार्क्स स्कोर करना है. तो दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपका करेक्ट आना चाहिए एग्जैक्ट. ठीक है. सो बायबैक स्टार्ट करते हम लोग, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. इससे रिलेटेड एक टॉपिक आप लोगों ने SY में पढ़ा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो त्याच्याशी रिलेटेड दूसरा टॉपिक है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो आपको पता होगा कि कंपनी दो टाइप के शेयर्स इश्यू करती. ठीक है. शेयर्स इश्यू करने के लिए कुछ रीजन होना चाहिए ना. कंपनी शेयर इश्यू क्यों करती है? टू गेट मनी. ओके, बिकॉज विदाउट मनी आप लोग बिजनेस कर सकते हो क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म. ओके, सोल ट्रेडर होगा तो वो खुद का पैसा यूज करेगा एज अ कैपिटल. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल होगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कैपिटल होगा. बट इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो और कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो कंपनी क्या करता है? शेयर इश्यू करता है. शेयर का मतलब होता है अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट. ये पहले होता था लेकिन अभी डीमटेरियलाइजेशन है, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का शेयर है ₹10 का, एक शेयर. तो कंपनी क्या करेगा, आपको शेयर देगा एक और उसके बदले में आपसे ₹10 लेगा. तो अब ये ₹10 का शेयर कंपनी ₹10 में भी इश्यू कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एट पार. ये ₹10 का शेयर कंपनी ₹15 में भी इश्यू कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एट प्रीमियम. तो उसके ऊपर जो ₹5 एक्स्ट्रा मिलता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है. और उसके बाद ये ₹10 का शेयर कंपनी ₹5 में भी इश्यू कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इश्यूड एट डिस्काउंट. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? इक्विटी शेयर्स हम लोगों को पढ़ना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लास्ट ईयर आपको टॉपिक था. सो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, वन इज इक्विटी एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं कंपनी के साथ, 5 years, 10 years. ओके, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी स्टार्ट होने से एंड तक वो कंपनी के साथ रहेंगे, बट इन बिटवीन कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका शेयर्स जो है वो बायबैक होता है. बायबैक का मतलब क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे एक बार. इसके नाम में लिखा है बाय बैक. बाय का मतलब परचेसिंग बैक. ओके, जो शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए थे वो कंपनी क्या करने वाला है? फिर से रिटर्न लेने वाला है. ठीक है. तो यहां पे लिखा है देखो, इश्यू एंड बायबैक. एट द टाइम ऑफ इश्यू क्या होगा? कंपनी शेयर होल्डर्स को देगा शेयर्स. कंपनी शेयर होल्डर को देगा शेयर्स और शेयर्स के बदले में फ्री में शेयर्स मिलने वाला है क्या? नहीं. तो शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देंगे? मनी. ओके, सो एट द टाइम ऑफ इश्यू शेयर्स जाएगा और पैसा आएगा. ठीक है. उसके बाद फ्यूचर में जब बायबैक होगा, ओके, सो बायबैक के टाइम पे कंपनी अपना शेयर्स वापस ले लेगा और जो शेयर होल्डर्स है, ओके, फ्री में शेयर्स रिटर्न करने वाले हैं क्या, तो उनको अपना पैसा वापस मिलेगा. दैट इज कॉल्ड बायबैक. मतलब कंपनी को अपना शेयर्स रिटर्न परचेस करना है, दैट इज कॉल्ड एज बायबैक. ठीक है. इजी टॉपिक है, बट देर इज वन कंडीशन. ओके,
जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन में वो लोग लिखते हैं कि इतना शेयर्स रिडीम करना है, तो आप लोग डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं था. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स देर आर सर्टन लिमिट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नॉर्मली एग्जाम्पल देता हूँ आपके घर वालों का, आपके रिलेटिव्स है, ठीक है, कोई आपके रिलेटिव्स अगर आपके घर पे आते हैं और वो चले जाते हैं, आपको बुरा लगेगा क्या? या फिर आपका कोई फ्रेंड है इंडिया छोड़ के चला गया, आपको बुरा लगेगा क्या? आप बोलोगे मर दे तो साहब, ओके, ठीक है. लेकिन अगर सपोज आपके घर में आपका भाई आपकी बहन बाहर चले जाते हैं, आपको मिलने वाले नहीं है वापस, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ओके, यू विल फील बैड, आपको बुरा लगेगा, ठीक है. तो सेम थिंग हैपन विद शेयर होल्डर्स. मतलब ये इमोशंस का सवाल नहीं है, पैसे का सवाल है, ठीक है. डायरेक्टली अगर सब शेयर होल्डर्स ने बोल दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सपोज एक कंपनी है जिसके 1000 इक्विटी शेयर्स है, 1000 इक्विटी शेयर्स, और सब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने बोल दिया हम लोग को अपना पैसा चाहिए, तो कंपनी के पास कुछ रहेगा क्या? कंपनी के कैपिटल में आएगा डैश, और विदाउट कैपिटल कंपनी चलेगी क्या? नहीं. सो देयर आर सर्टन कंडीशंस, यू कैन नॉट बाय बैक 100% इक्विटी शेयर्स. मैक्सिमम अलाउड होता है 25%. इतना समझा आपको, ठीक है. सो देयर आर सर्टन टर्म्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. पॉज.